ख्याल में रखता हूँ। सुबह सुबह जब सो के उठता हूँ तो देखता हूँ मेरे घर के सामने ठेला लेकर के एक तथा कथित बांग्लादेशी व्यक्ति आता है कूड़ा उठाने के, और उसके साथ एक इतनी बड़ी बिटिया, एक इतना बड़ा बच्चा आता है और कत्ता कूड़ा दे। और तब मेरी पत्नी चढ़ाती है कि तुम्हारा आरती आ गया करवा दो, मुझे लगता है कुछ चप्पल लगता है मेरे मुंह। दो तीन उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपने घर के पास एक तथा कथित फाइव स्टार स्कूल है, उस स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सेना के लिए बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनके पास मैं गया और देखा कि गैराज में कुछ EWS बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और स्कूल के ड्राइवर और चपरासी उनको पढ़ा रहे हैं। और मैंने कहा कि भाई साहब, ये तो इन बच्चों के साथ भेदभाव है, इन बच्चों के साथ जो आर्थिक कानून की जो बात कही गई है कि सबको एक जैसी शिक्षा मिले और विद्यालय में कोई जगह भेदभाव नहीं, दे डोंट टीच अदर। उन्होंने कहा आपके यहाँ महिलाएं कितनी हैं? बहुत महिलाएं हैं हमारे, लेडीज ने टीचिंग अच्छा काम है, लेडीज टीचिंग अच्छा कर सकती है। आई थिंक लेडीज कांट डू एनी अदर। मैं एनालिसिस कर रहा था कि दिल्ली में जितने रेप हुए हैं, जितनी महंगी गाड़ियां चोरी हुई हैं, जो क्राइम हुई है, इसमें से कितने गरीबों ने और कितने अनपढ़ लोगों ने किया है और कितने पढ़े लिखे लोगों ने, और जिन लोगों ने किया है वो किस प्रकार के स्कूल के कारण है मित्रों। और इसलिए मुझे बार बार ये याद आता है कि 64 से 66 के बीच में जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया था और जिसमें कहा था कि सबके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और नहीं तो इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जो शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार था और शिव कुमार पाठक को अपने विद्यालय में नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया UPIL के बाद और फिर रख लिया गया इस एफिडेविट के साथ कि दोबारा इस तरह की मांग कर दी जाए कोर्ट में वो नहीं आए। और आप जानते हैं कि ये फंडामेंटल राइट का हनन है, और 15 जी बेहतर बता सकेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसकी पाँच फंडामेंटल राइट है, उसकी पांच आधार भूत बातें। पहली बात यह कि ये सबके लिए है, यानी सार्वभौम है, और सार्वभौम अधिकार की पहली जो जरूरत होती है कि आप सबको जाने कितने लोग हैं स्कूल के बाहर। आपके सामने एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ, UDIS की रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, वो ये कहती है कि 15-16 तक उत्तर प्रदेश के जितने विद्यालय हैं उसमें मात्र 10% विद्यालय विकलांग बच्चों के। निर्णय इस निर्णय का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने जितने बच्चों को देखा, हमारे घर में जो काम करने आती है उनके बच्चे भी स्टडी हॉल में पढ़ने लगे। तो हमने सोचा स्टडी हॉल में पढ़ने लगे तो हमने कहा बच्चा जब अपनी कॉपी दिखाना है तो वहाँ पर यह होता है कि जब असली बच्चे जो आपके असली क्लाइंट्स हैं वो जब पढ़ के लिखा जाते हैं, उसके बाद जब टीचर थक चुकी होती, जब टीचर को लगता है कि ये तो हमारे ऊपर मुसीबत नहीं गलत है या सही है, वो सही सही लगा दिया है, तो वो गैर जिम्मेदारी के साथ, बिना मन के साथ, बिना किसी भावना के साथ उन बच्चों के साथ सिर्फ एक फर्ज अदायगी होती है क्योंकि एक सरकार का ऐसा ऑर्डर है। तो जब तक, और एक और मैं बात कहूँ कि किसी सरकारी कानून से कुछ नहीं होगा, किसी डाटा से कुछ नहीं होगा कि कितने बच्चे, कितने करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल में नहीं जा रहे, जब तक कि हम, आप बैठी हैं, आप हैं, हम सब अपने अपने घरों के आसपास अगर पूरा बिगाड़ने वाला आता है तो अगर हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये तू स्कूल नहीं जा रहा है और हम उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और हम कुछ उसको नहीं प्रेरित करते हैं, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। क्योंकि आज़ादी के 14 साल बच्चे हो गया था कि 10 साल तक के बच्चों, 10 साल बाद हो गया था कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दी जाएगी, और 10 साल में कितने साल हो गए, 70 साल ज्यादा हो गए, अभी तक भी ज्ञान लाभ हुए। इसलिए कि किसी की इच्छा नहीं है, असली बात यह है कि जो हमारा सत्ताधारी वर्ग है, जो जिसमें हम लोग भी शायद आते हैं, मतलब जो इंग्लिश